हमारे समाज के लोग जो है सीए का समर्थन करते हैं, और क्योंकि ये जो है ये किसी मुसलमान भाइयों के लिए कोई वो नहीं है, क्योंकि उनको निकाला जाएगा, किसी को नहीं निकाला जाएगा। ये जो है ये अगर उसको पढ़ें उसमें भ्रम में न रहें, और ये तो जो चीज़ है इसमें साफ लिखा है कि किसी मुसलमान को भाई को नहीं निकाला जाएगा, सभी यहीं रहेंगे, जो यहाँ के वासी हैं सब यहीं रहेंगे। और हम सीए का पूर्ण रूप से समर्थन करते हैं, मैं आर्य समाज का आदमी हूँ और जो भी है। ये संस्था आर्य समाजों की गवर्निंग बॉडी है। मैं आर्य प्रतिनिधिसभा हिमाचल प्रदेश की ओर से तथा सभी हिमाचल प्रदेश की आर्य समाजों की ओर से सीए का समर्थन करता हूँ। ये सरकार की बहुत अच्छी पहल है और इससे हम लोगों को काफ़ी रिलीफ मिलेगा, सारे भारतवासियों को रिलीफ मिलेगा। इसमें कुछ भी गलत सरकार ने नहीं किया है और हम इसका पूरा समर्थन करते हैं, पुरजोर तरीके से सीएए इसका समर्थन करता हूं। और ऐसे लोगों से जो इसके लिए भ्रम फैला रहे हैं उनसे गुजारिश करता हूं, कृपया लोगों को भ्रमित ना करें और सही स्थिति को लोगों के सामने रखें। ये किसी भी देशवासी के लिए किसी भी तरह से कोई खतरा नहीं है। ये लोगों को खामखा बरगलाया जा रहा है, जब सच्चाई ये है कि अपने देशवासियों के हित में हैं, देश के हित में हैं, देश के नागरिकों के हित में हैं। देश के नागरिक को किसी को भी किसी तरह का खतरा इससे नहीं है। अतः मैं इसका नागरिकता अमेंडमेंट बिल का पुरजोर तरीके से समर्थन करता हूँ। मैं अपनी ओर से और आर्य समाज की ओर से सीएए कानून का जो संशोधन हुआ है उसका समर्थन करता हूँ, और जो लोग ये भ्रम फैला रहे हैं, भारत के किसी भी निवासी को उससे कोई हानि नहीं होगी, परंतु जो बाहर के देशों से हमारे यहाँ प्रताड़ित होकर आएंगे उनको नागरिकता प्रदान की जाएगी। मैं इस सरकार के, भारत सरकार के इस कार्य का पुरजोर उनको बधाई देता हूँ और समर्थन करता हूँ। हम सीएए का समर्थन करते हैं। जो प्रधानमंत्री ने यह कानून बनाया है ये बहुत बढ़िया है। जो भी अल्पसंख्यक वहाँ से आते हैं उनको नागरिकता मिलनी चाहिए, अफगानिस्तान से, बांग्लादेश से, पाकिस्तान से, जो भी अल्पसंख्यक आए उनको नागरिकता मिलनी चाहिए। दूसरी बात यह है, अगर कोई गलत आदमी हमारे घर में आने आता है तो हम तो उसको घुसने ही देंगे, ये तो ठीक है। इसलिए हम सीए का समर्थन करते हैं।